डब्ल्यूआरआरसी टीम ने वन एवं वन्य जीव संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन दिया। टीम के मेंबर विवेक जायसवाल ने बताया कि सर्पदंश से विगत कई सालों से भारत में हर वर्ष करीब 1,25,000 लोगों की मृत्यु होती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे बचने और लोगों की सुरक्षा के लिए लगभग हर जिले में कोई न कोई स्वयंसेवी संस्था काम कर रही है। वन्य जीव होने के नाते ये जिम्मेदारी वन विभाग की है, पर ये वन्य जीवों को बचाने के लिए स्वयं सेवी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जैसा कि कुछ समय पहले देखा गया कि सर्प दंश की वजह से कई सर्प मित्र जान गंवा चुके हैं। डब्ल्यूआरआरसी टीम लगभग 16 वर्षों से ये कार्य अलवर जिले में निशुल्क कर रही है और अब तक हजारों वन्य जीवों को सुरक्षित बचा वन क्षेत्र में छोड़ चुकी है। टीम सरकार से अनुरोध करती है कि ऐसे सभी संस्थान जो भी वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की हो व सर्प मित्रों को प्रशिक्षित करने के लिए वन विभाग की ओर से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाए। सुरक्षा में जुटे स्वयं सेवियों को सरकारी नौकरी दी जाए। जो संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। सर्प मित्रों को वन विभाग की ओर से पहचान पत्र देकर अधिकृत किया जाए। रेस्क्यू करते समय वन्य जीवों व व्यक्ति विशेष की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। जिला स्तर पर वन्य जीवों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए, जहाँ जीवों का इलाज और रख रखाव हो सके। आज डब्ल्यूआरआरसी टीम की तरफ से मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसके अंदर हमने एक बहुत बड़ी समस्या सर्पदंश से होने वाली मौतों के बारे में उनसे चर्चा की और उन्हें ये ज्ञापन दिया, जिसके अंदर हमने विस्तार से उन्हें ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर कोविड से भी ज्यादा जो जाने जाती हैं वो सर्पदंश की वजह से जाती है। हर साल करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग सर्पदंश की वजह से काल का ग्रास बन जाते हैं और इसके लिए वन विभाग और जो संबंधित संस्थाएं हैं वो उचित काम नहीं कर पा रही हैं और जो संस्थाएं उसके अंदर जो सेवाएं दे रही हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं जो सहयोग कर रही हैं, उनके संरक्षण के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द